नमस्कार आपण मानक ओडिया विलेज फूड को बहुत बहुत स्वागत। आज मुझे जो रेसीपी सेयार करी बिना मसला बाटिकी एत सुंदर तरकारी हो पारे आपण घरे थे बनइले ही जापर। तो आज रेसीपीटी को प्रथम रु लास्ट जाए देखु आशा करुच्ची आज रेसीपीटी आपण मानक बहुत भल लगे। तो चलतु आरंभ कर। तो ये रेसिपी बनवाई ये मुझे गोटे कप सोयाबीन को गरम पानी रे भिजे की रखी थी। देखो के बढ़िया से फुली जाए सफोलार सोयाबीन यूज करुच्ची आपण चाहिए जेकोसी कंपानी सोयाबीन व्यवहार करें किंतु सफोलार सोयाबीन बहुत नरम थाए आर टेस्ट बहुत बढ़िया लगी था। तो ये रेसीपी सोयाबीन को पूरा एकदम चिपुड़ा जीवनी खाली यार सोयाबीन को मु गरम पानी रु बाहर करके आउ गोटे पात्र रखिदेवी। यही रेसीपी यही सोयाबीन पूरा एकदम जूसी जूसी ही रहा दरकार चिपुड़े यार स्वाद आते भल लगे। तो एमती ही खाली मुझे काढ़ी नेबी। तो ये आपण मैंने देखु सोयाबीन रु मु पानी को निगाड़ी देछि आउ यही सोयाबीन रे पूरा एकदम जूसी जूसी अच्छी गोटे चिपिकी आपण मानक देखा देखु या देर पा अंश बाहर आमको एमती ही दरकार। एवं आम एक सैड्रे रखिद आ गोटे कढ़ा को गरम करवा कढ़ाटी भल भाव गरम हो गले मु दुई बड़ चमच सोरस तेल देदेवी। यही रेसीपी रे आप सोरस तेल ही व्यवहार करेंगे। तेलटी तो आम गरम हो गला एवं मु सोयाबीन को देदेवी। सोयाबीन दे सर एद्रे मु हल्दी लुण किसी भी व्यवहार करें एमती ही एक भाजबी। तो यार मु सोयाबीन को पूरा एकदम लाल लाल करके भाजबिनी अल्प टिके यार कलर चेंज हवा पर्यंत एक भाजने। सोयाबीन रो कलर यही भाव बदली गले एबे एको गोटे प्लेट को काढ़ी नेबी। सोयाबीन यही भाव ही भाजवा दरकार एको बेसी लाल करें। तापरे मु सेम कढ़ई रे चार बड़ चम्मच सोरस तेल देदेवी। तेलटी भल भाव गरम हो गले मु कला जीरा फोड़न देदेवी। कला जीरा रे बहुत बढ़िया बास्ना आए यार टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगी थाए। तापरे एठी मु गोटे बड़ साइज़ रो प्याज को पूरा एकदम छोट छोट करके काटि नहीं भाजी ने भी। प्याज को बेसी लाल करके भाजबिनी अल्प टिके सामान्य मौली आसला पर्यंत ही भाजबी। प्याज तो ये मोर मौली ही आसला एबे मु गोटे बड़ चम्मच देदेवी रसुण छेचा आउ किछि अदा पाउडर ए सब को किछि समय फ्राई करिने भी यार कंचा गंध जीवा पर्यंत। रसुण कंचा गंध चलीगले एबे मु गोटे मसलार घोल प्रस्तुत करी मसलार घोल एद्रे देदेवी। मसलार एद्रे मुझे गोटे बड़ चम्मच हल्दी गुंड गोटे बड़ चम्मच लंका पाउडर गोटे बड़ चम्मच धनिया आउ जीरार गुंड को भल भाव पानी टिके मिसेकी घोल प्रस्तुत करी किछि समय कसी नेबी। यही मसला कसवापी बेसी टाइम लगि न था। तो ये तेल छाड़ा स्टार्ट करदे मसला तो मोर बहुत बढ़िया भाव कषि सारे मुदेवी स्वाद अनुसार गोटे बड़ चम्मच लुण लुण देखिए भल भाव मिसई नेबी। तरकारीटी ग्रेवी हाबापी मुझे दुईटी बड़ साइज्र आलु को सीझे नहीं थी प्रथम रु। तो आलुटी को सीझे सारापर हाथ में भल भाव चकुटी नहीं चकुटी की या भितर देदेली एक आलु सहित मसला को बहुत बढ़िया भाव गोटे रु दुई मिनिट कसी ने भी। मसला सहित आलु को भल भाव कसी सारापर एबे मुदेवी तीन इंच बड़ चम्मच सोया सॉस। सोया सॉस को या सहित दे सारापर आउ गोटे रु दुई मिनिट भल भाव हाई फ्लेम कसी ने भी। जदि आपण मानक सोया सॉस खाइबा नहीं कि पसंद ना कि आपण पाखे अवेलेबल ताहले या बदल आपण तेतुर मंड को पूरा एकदम बहलिया करके द्वारा भी यार टेस्ट बहुत बढ़िया लगे। तो यठार तो मोर सबुतक मसला बहुत बढ़िया भाव कषि सारे एवं मुझे सोयाबीन को देकी गोटे मिनिट
मसला सहित भल भाव मिसेक कषि ने सोयाबीन को तो भल भाव मसला सहित कषि सारे मुझेदेवी हाफ कप पा रेसीपी आपत बेसी झोल करेनि अल्प ही ग्रेवी र तो यार स्वाद बहुत बढ़िया लगे ग्रेवी ग्रेवी ही रही बेसी पानी दे देदे यार टेस्ट आते भल लगे जदि आपण अधिक मात्रा रे सोयाबीन नहीं चाहिए आगे अधिक पानी दे पारे ये रेसीपी जिते ग्रेवी रत्ते बढ़िया लगे बेसी पानी दे देदे यार टेस्ट आते भल लगे तो झोल को किसी समय पर फुटापी छाड़देवी मात्र गोटे मिनिट पर्यंत ही फुटे ने यही भाव ग्रेवी फुटे आसे एवं मो गैस टी बंद करदेवि यह रेसीपी टी आपण घरे निश्चित थरे ट्राए करूँ आशा करूँ आपण मानक रेसीपी टी निश्चित भाव पसंद आसब रेसीपी टी भल लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने बिलकुल भी भूल एवं मुझे लास्ट्रे देदेवी गोटे बड़ चमच मटन मसाला तो यार टेस्ट आहरी द्विगुणा बढ़ईदेव तो सोयाबीन करी तो आमर रेडी सारे एबे को गर्मा गरम रोटी सहित किंबा पूरी पराठा सहित खातु देखिए बहुत पसंद आसीबा आपण को आजपाई तो ये पुणी देखा हबा आउ एक नुआ रेसिपी सहित रहुची धन्यवाद।